दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर एक बार आप सबका मैसी फैमिली में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, मैं जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठ गई मतलब मैंने नहा लिया। जल्दी तो हम रोज़ उठ जाते हैं, लेकिन नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है। मेरी 5वीं सिटिंग है रूट कनाल की, पर अभी डॉक्टर का कॉल आया नहीं है। जैसे कॉल आएगा मैं जाऊँगी। मैंने नहा लिया है, क्योंकि आजकल रोज ऑयलिंग करनी पड़ रही है सर में, क्योंकि जो तेल लिया था मैंने आपको बताया भी था, तो वो 5 दिन तक रोज लगाना है सर में, और उसके बाद फिर हफ्ते में 3 बार लगाना है। और इसी वजह से आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो चल, खड़ा है ये, बहुत उस्ताद है, हैंगर लेने के लिए खड़ा हुआ है। पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल, पीछे चलो, भूसो बैक। अच्छा, ये है इसकी, बहुत चतुर हो गया है ये। चलिए नाश्ता बना लेते हैं। और दोस्तों, आज है इनका बर्थडे। यहाँ चल रही थी इनकी क्लास, ऑनलाइन क्लास, सो क्लास हो गई है। और देखिए ये क्या करता है। ये हमारे घर में डॉगी नहीं, हमारे घर में बंदर है ये। जहाँ मन आता वहाँ कूद जाता है। ये देखिए, भूसो, गेट डाउन, गेट डाउन, यस, गुड बॉय, सिट डाउन, सिट डाउन, यस, सुनता है कहना। सो दोस्तों, इसमें मैंने डाल दिए है फ्रेंच बीन्स और गाजर, आलू, हरी मिर्च ये डाल दी है, और जो ये रात को मैंने भिगोया था ये भी मैं डाल रही हूँ। और इसको मैंने देसी घी में बनाया है, यहाँ रखा देसी घी, इसमें बनाया है। चलिए ढक्कन बंद करते हैं और सीटी ले लेते हैं। ये देखिए, इधर पानी भी हो गया है, चुका है, ड्रेन कर देते हैं इसका पानी चेंज करके। चलिए कपड़े भी फिर ड्रायर में डाल दूंगी। आई नहीं है इसलिए सब, अभी आएगी तो काम होगा। ये इनका राउंड चालू है, इनके बैठते नहीं हैं, इन्होंने कीबोर्ड बंद कर दिया है। बर्थडे बॉय, गुड मॉर्निंग तो कर लो। गुड मॉर्निंग, आज इनका बर्थडे है। दुकान बंद कर, रात में हमने 12:15 बजे करीब केक काटा था, केक लेट हो गया था, हम लोग ने ऑर्डर दिया था और केक लेट हो गया। सो इनको तो पता नहीं था, ये सो गए थे। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये प्राणी थक गया है और ये अब सो रहा है। इनका दिन है, फोन आ रहे हैं सबके। अभी पूनम का आया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बन गई है और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया जो मैंने काट लिया है। चलिए गैस को करते हैं बंद और सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बन गया है और मैं जा रही हूँ अब खाने। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ खा के आपसे। ली ने नाश्ता कर लिया है और अब ये खा रहा है आइसक्रीम, यानी केक। ये केक आइसक्रीम वाला था, दिखाओ स्पून में। ये देखिए, ये जा रहा है ऑफिस। बाय। गुड मॉर्निंग, शांति आ गई है। शांति का एक काम हो चुका है ना, बर्तन हो चुके हैं और अब झाड़ू पोछा हो जाएगा। और ये ड्रेस मैंने इसलिए निकाली है, डॉक्टर का फोन आ सकता है तो मैं पहन के फिर जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे को अपॉइंटमेंट पहले का नहीं दिया है। बोला मैं कॉल करूंगी तब आ पाना, ने कहा ठीक है। वो उधर है, विंडो में होगा उधर। कभी कभी ऐसे विंडो में बाहर बैठ के देखता है ना, उसको उधर अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका दुलार जो छोटा बेबी है, मम्मा का पारा पारा बेबी है। चो जाओ, चो जाओ, ये मेरे बेड पे सो रहा है। ये देखिए, ये देखिए हमारे लिए
कोनो जगह नहीं भाई, चलो सो जाओ। यहाँ पे ये बुला रहे हैं, इनके पास नहीं आ रहा है। ये इधर लेटेगा, हम इधर लेटेंगे, ये देखिए। चलिए चलिए, उठाएगा, उठो 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 डैडू उठो। ये देखिए, ये देखिए, बुझो। हाँ बस, सिट डाउन सिट डाउन। चलो ठीक से लेटो, डैडू को लेटने दो। चलो बैक, बुझो बैक, बुझो बैक, बैक, यस गुड बॉय, बैक। हाँ मैं बना रही हूँ अफगानी चिकन। यहाँ पर प्याज काट ली है, यहाँ पर चिकन है, तो चलिए। और यहाँ पर ये मेरे को पीसना है। चलिए, सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने हरी धनिया और हरी मिर्ची ये डाल दी है, और ये है काजू, ये भी डाल दे रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास में, वो डालूँगी। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी आंटी से बात हो रही है मेरे बचपन की, कि पहले। और ये मेरा बरिस्ता बनके तैयार है। यहाँ पर चिकन रेडी है, यहाँ पर मैंने ऐसे कट लगा लिया है, जब भी बनाए तो कट ज़रूर से लगाएं। इसमें भी लगाती हूँ, इसमें देखिए लगा दिया है। ऐसे ही सब में कट लगाना है, ताकि अंदर तक सब चला जाए। और यहाँ पर मैंने ये पीस लिया कि इसमें दही है, काजू है, हरी मिर्च और धनिया है, और लहसुन अदरक पेस्ट में ऊपर से डालूँगी। ये इसमें मैं ऐसे डाल दूँगी। थोड़ा सा बचा लिया है मैंने चिकन के लिए, और इसमें भी जाएगी गोल मिर्च, नमक, सारी चीज़ें भी दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नमक, हल्दी, और ये है गोल मिर्च, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर, क्योंकि क्रीम नहीं मिल पाई है तो मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर मैंने बलिस्ता बना के रखा हुआ है, ये भी इसी में डाल दूँगी मैं। थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि इसको फ्राई करना है अभी। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गया तेज पत्ता, दो इलायची, जावित्री, ये है दालचीनी के दो टुकड़े, और ये स्टार फूल, यहाँ पर 8-10 दाने लौंग के हैं, और जावित्री की थोड़ी सी वो कलिये रह गई वो है, और डालेंगे छोटी इलायची, 3 छोटी इलायची, और 8-10 लौंगे। मैंने लौंग डाल दी 8-10, दिखा नहीं पाई, कैमरा ऑन करे बिना डाल दिया, आप देख सकते हैं दिखाई दे रही है। चलिए अब डालेंगे हम इसमें जो हमने बरिस्ता बनाई है, ये थोड़ी सी डाल देंगे। तो दोस्तों, इसमें मैंने दही भी डाल दिया है, और जो भी मसाले डाले आपको मैंने दिखा दिया था। 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया है, और अब आधा कप मैं दूध डाल रही हूँ। और चिकन में मैंने नमक भी डाल दिया था, अभी चावलों के हिसाब से डालूँगी। ये दूध है, ये भी डाल दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए दोस्तों, 2 कप चावल थे इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इसमें 4 कप 6 कप नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ इसमें 3 कप डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी पानी इसमें है। गैस को कर दिया है फुल पे, और अब मैं यहाँ पर इसको, मैंने पानी डाल दिया है, अब इसमें मैं बंद करके इसको बॉयल करूँगी। जब बॉयल हो जाएगा तब चावल डालूँगी।
चलिए यहाँ पर ये है धनिया और पुदीना, ये भी डाल दे रही हूँ, अच्छी खुशबू भी आएगी। ढक लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और इसको भी मैं हल्का सा, ये ग्रिल वाला है मेरा पैन, ग्रिल वाले में ही बहुत अच्छा फ्राई होता है। चलिए ये गर्म हो जाए फिर मैं चिकन डालती हूँ इसमें। मैं इसे ऑन करके आई थी मेरे को। ये देखिए दोस्तों पानी बॉईल हो गया है और मैंने यहाँ पर चावल आधा घंटे भिगो के छलने में डाल दिए थे, ये भी डाल देते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से चला देते हैं और अभी मैं इसको फुल फ्लेम पे ही चढ़ा के रखा है मैंने। चलिए ढक देते हैं। देखिए दोस्तों ग्रिल में ये करने से ऐसे आना चाहिए और यहाँ पर इसका भी हाल देख लीजिए। इसमें मैंने चावल में थोड़ा सा नमक भी डाला क्योंकि चावल थे वो चिकन के समय चिकन के टाइप से डाला था और अभी मैंने चावल में भी थोड़ा नमक डाल दिया है। चलिए चावल यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं और ये यहाँ पे किसी इसको आँच ज़्यादा चाहिए इसलिए। परसेंट वहीं पर जल जाएगा ये। अब इसको हम हटा लेते हैं जैसे कितना अच्छा कलर आया है और इसके बाद अब डालेंगे दूसरा। इसको ये भी हो गया है इसको निकाल लेते हैं और अब रखेंगे कढ़ाई। ये देखिए कलर जबरदस्त आ गया है। चलिए फ्रेंड्स ये जो बचा है ये इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया कलर आया है। ये पानी डाला मैंने मैरिनेशन करके रखा था। चलिए दोस्तों अब एक एक करके इसमें डाल देते हैं। ये 60% गला हुआ है चिकन, गर्मियों में ज़्यादा मसाला और मिर्चे वगैरह तीखा वगैरह ऑयल वगैरह नहीं अच्छा लगता। ये देखिए चलिए इसको ढक के पका लेते हैं। अफगानी पुलाव बन के तैयार है और यहाँ पर अफगानी चिकन कलर बहुत ज़बरदस्त आया है और इस पे मैं डाल देती हूँ। मैंने अनियन फ्राई करी थी ये डाल देती हूँ। ये नहीं भी डालेंगे तो चलेगा क्योंकि ऐसे ही दिखने में खूबसूरत लग रहा है। और डाल देते हैं धनिया पुदीना। ये देखिए इस पे भी डाल देती हूँ धनिया पुदीना। ये देखिए फ्रेंड्स कलर बहुत ज़बरदस्त आया। देखिए ये मैं बबीता के किचन में बना चुकी हूँ अफगानी चिकन, इसलिए मैंने बबीता के किचन के लिए वीडियो नहीं बनाया। तो चलिए अब खाने के टाइम पे मिलते हैं। खाना बनाकर नहा लिया है मेरा पूरा गाउन गीला हो गया था। मैं नहा के फिर से फ्रेश होके मैं आ गई हूँ और अब सीधे हम आपको डिनर पर मिलते हैं। आज लेज़ली भी जल्दी आ गया है, आज इनका बर्थडे था तो लेज़ली भी जल्दी आ गया है। तो चलिए फिर हम सीधे डिनर पे मिलते हैं। यहाँ पर ये फ़ोन पे आज सुबह से फ़ोन आ रहे हैं लगातार इनके,
विशिंग वाले फ़ोन। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं डायमंड से। तो चलिए यहाँ पर ये थोड़ी बच गई, इसको मैं रख दूँगी, फिर अगली बार काम आ जाएगा ये। सो फ्रेंड, ये है अफ़गानी चिकन पुलाव और यहाँ पे है अफ़गानी चिकन। तो चलिए अब मैं खाना सर्व करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, तो खाना निकल गया है। ये देखिए, ये मेरा है, यहाँ पर ये बर्थडे बॉय का है, वहाँ पर लेस्ली है और ऑज़ी भी आ रहा है। आइए खाना खाइए हमारे साथ। तो चलिए, आज इनके बर्थडे के लिए मैंने ये सब बनाया था, चलिए खा लेते फिर मिलते हैं। या गया बूजो के लिए वैनिला आइसक्रीम और उस वाले क्या है, एक्चुअली कल इसको वो केक दे नहीं सके बिकॉज उसमें चॉकलेट होता है जो कि डॉग्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो चॉकलेट्स बिल्कुल भी अवॉइड करें डॉग को देने के लिए। वैनिला ठीक है, इसलिए देखो वैनिला हमने दे दिया। भाई साहब ने एक प्रॉपर एक मिनट नहीं हुआ, भाई साहब उड़ा गए ऑलमोस्ट। हैप्पी बर्थडे, बूजो की पार्टी हो गई अच्छी खासी। 36 सेकंड में आइसक्रीम उड़ा गए भाई साहब। कुछ नहीं, लो आज की पार्टी मेरी। ये तो वही चॉकलेट डॉग्स के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कल हम लोग ने इसको दिया नहीं। बुरा तो लग रहा था, ये देख रहा था, लेकिन इसको हम दे नहीं सकते थे, इसलिए आज ऑज़बे लेके आए इसके लिए आइसक्रीम। बाय। सो आज का व्लॉग यहीं तक दोस्तों, और मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।